मैंने खुद काफी लेट कैमरा खोला है कि भाई हमसे नहीं देखा जा रहा। तुम्हारे साथ मिलकर मैंने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हासिल किए। मैं जितना हिस्सा मेरा उतना ही तुम्हारा है। अच्छा बाबा लड़ो तो मत, सारा हिस्सा तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। लड़ रही हो, कल तुम अल्लाह को प्यारी हो जाओगी और मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। इंशाल्लाह अगले साल मैं भी तुम्हारे जैसी एक और गाय लाऊंगा, उसे अल्लाह के नाम कुर्बान करूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मतलब यार कभी कभी ना तुम्हें ऐसा फील होता है कि वो चीज़ें जो तुम मतलब तुम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ थी कि मैं कहाँ मातली से और ये कहाँ कराची। लेकिन देखो अल्लाह ने नसीब में लिखा था 125 की आवाज़ आ रही है, तो 125 नहीं थी वो पुलिस वाले थे। बहरहाल कराची है तो आपको इन सब चीज़ों का डर लगना पड़ता है। तो इस वक्त तकरीबन क्या टाइम हो रहा है भाई, ये भी मेरे साथ है भाई? इस टाइम हो रहे हैं 4:20 और हम लोग रात से इसके साथ बैठे हुए हैं, मतलब सोए नहीं है। गार्ड भाई थे, हमने उनको सुला दिया, हमने बोला यार आप मेहनत करते हो जाएं सोएं। हम सुबह तक अपनी टीटू के साथ बैठे हुए हैं। टीटू अभी मारेगी, बहुत गुस्से में है। बहरहाल देखते हैं टीटू के साथ क्या होता है। अभी तो हमें सुबह तक बैठना है 2-3 घंटे और। तैयार हो जाके सो जाओ। यार मेरे सोने का मन नहीं कर रहा, कल ये चली जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ दोबारा से इसको खोल के ले जाऊँ, इस बार रियल में चोरी कर लूँ। अरे बाबा पता नहीं हमें और कितनी देर यहाँ बैठना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम इन मच्छरों में बैठ चुके हैं क्योंकि हमें अपनी टीटू का ख्याल रखना है। ऐसा ही है? हाँ ऐसा ही है। अभी का सीन ये है कि हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, बस यही सीन है भाई। फील करते रहेंगे, जब थके जाएंगे ऊपर से गार्ड को बोलेंगे, गार्ड भाई हमने सो लिया, अब हमें भी 2 घंटे सोने दो, आए नीचे बैठ जाए। ये सीन, अभी भूख लग रही है। तो सारी रात सोने के बाद अब सुबह हो चुकी है, बल्कि 1 या 2 बजने हैं और मैं ऊपर जाके सो चुका था क्योंकि गार्ड वापस आ गया था। का मतलब ये है कि अब हमारे टीटू के जाने का वक्त आ गया है भाई। वो पीछे वहाँ पर उसकी कुर्बानी चल रही है और मैं देख नहीं सकता। सारे लोग आए हुए हैं। चलो यार जानवर की कुर्बानी हो चुकी है। गिरते वक्त इसने बहुत कोशिश की है, मतलब पूरी जितनी जान हो सकती है इसने पूरी जान लगाई है। वहाँ पर जो है वो जानवर ज़िबा हो चुका है और हम लोगों से देखा नहीं गया, इसलिए हम सब यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। आसमान से भी नहीं देखा गया, पता नहीं क्या चीज़ है, अलग ही मखलूक है। अगर बस में होता तो मैं ऐसे, जब भी कोई बंदा आता है ना इस बंदे को खाने की बड़ी होती है। अभी भी जानवर ज़िबा हुआ है लेकिन ये उसे बहुत ही गलीज नज़रों से देख रहा है कि मैं बस उसे किसी तरह खा लूँ। ये देखो कैमरा बंद। तो जानवर जो है वो पीछे ज़िबा हो चुका है। और आसमान तुम्हें दुख नहीं हो रहा? तुम्हारा बकरा कब हुआ हमें तो पता भी नहीं चला। दुख तो हो रहा है लेकिन खुशी भी हो रही है कि ये मतलब जिंदगी में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला। इंशाल्लाह एक दिन अपनी भी लाएंगे और उसको भी इसी तरह कुर्बान करेंगे। अभी मैं तुम्हें उसका गोश्त दिखा सकता हूँ, लेकिन इन द फ्यूचर अगर वीडियो मोनिटाइज हुई तो येलो डॉलर आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आए। कॉम्प्रोमाइज कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे गाय ज़िबा हुई है और यहाँ पे पार्टियाँ की जा रही है। शर्म करो, शर्म। पार्टी कर रहा है तू? ये क्या है, पानी है? ये निजी का काम कर रहा है, प्यासों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। प्यासों को पानी पिलाया जाता है, हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। अच्छा, गाय वगैरह ज़िबा हो चुकी थी और अब जो है हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। ये मातली है, अभी मैं जा रहा हूँ मातली। तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पता नहीं मैं कितना काला सफेद आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। बहुत ज़्यादा याद आएगी टीटू तुम्हारी। टीटू।